नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और ACC गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। होली पर्व पर देश भर के साथ मंडी में भी उत्साह का माहौल। होली पर्व के महत्व पर मंडी वासियों की के न्यूज के साथ बातचीत। दूषित खाने के सामान पर मंडी शिवरात्रि में स्वास्थ्य और IPH विभाग का दुकानों पर छापा। सलागड़ा खाना बेच रहे थे कुछ दुकानदार। मंडी जिला के एक प्राइवेट कॉलेज के प्रिंसिपल पर छात्रों के साथ मारपीट का आरोप, पुलिस की केस को लेकर तफ्तीश जारी। और जानिए हमारी खास पेशकश, एक साथी और गीता के जरिए एक शहीद की अंतिम यात्रा और शहादत की कहानी को। हिमाचल प्रदेश की दो बड़ी राजनीतिक पार्टियों द्वारा शिमला सीट के लोकसभा चुनावों के प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं, जिसके चलते सोलन में दोनों ही दल चुनावों में विजय पाने के लिए रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इसी के चलते बैठकों का दौर भी जारी हो चुका है। अगर शिमला संसदीय सीट की बात की जाए तो शिमला संसदीय क्षेत्र में कुल 11,94,316 मतदाता है, जिनमें 6,27,082 पुरुष मतदाता और 5,67,334 महिला मतदाता है, जो चुनाव संग्राम में खड़े उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा ने इन चुनावों में 12 बार भाग्य आजमाया, लेकिन बस एक बार ही उसे सफलता मिली और वह खाता खोला वीरेंद्र कश्यप ने, जो इस बार भी भाजपा के प्रत्याशी हैं। कांग्रेस के लिए इस प्रत्याशी को परास्त करना उतना आसान नहीं रह गया है, क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए सोलन और सिरमौर नया क्षेत्र है। वहीं वीरेंद्र कश्यप पिछले 5 सालों में इन्हीं क्षेत्रों में कार्य कर पहचान बना चुके हैं। इस बारे में सोलन भाजपा मंडल के प्रवक्ता शैलेंद्र गुप्ता ने कहा कि उनके उम्मीदवार वीरेंद्र कश्यप पिछले कई वर्षों से सोलन सिरमौर शिमला की जनता की भलाई में लगे हैं और खास तौर पर उनकी मांगों को लेकर दिल्ली लोकसभा में अपनी आवाज़ बुलंद करते आए हैं। उन्होंने कांग्रेस को सलाह देते हुए कहा कि उन्होंने जिस उम्मीदवार को चुनावों में उतारने का फैसला किया है, उसे सोलन और सिरमौर की जनता जानती तक नहीं है। इसके लिए उन्हें पहले जनता के बीच आकर अपनी पहचान बनानी चाहिए, तब चुनावी रणक्षेत्र में उतरना चाहिए। जहाँ तक कांग्रेस प्रत्याशी की बात है, ना उन्हें कोई सिरमौर में जानता है, ना कोई उन्हें सोलन ज़िले में जानता है। शिमला में भी कुछ एक स्थानों पर उनको जानता है। उनकी कार्यशैली को अभी तक किसी ने देखा नहीं है। जब उनको लोग जानते नहीं, उनकी कार्यशैली को नहीं पहचानते, तो उनको लोग वोट कैसे देंगे। वीरेंद्र कश्यप जी पिछले 30 साल से उनको शिमला क्षेत्र के बच्चा बच्चा उनको जानता है। उनकी कार्यशैली को पिछले 5 साल में उन्होंने देखा है। सब लोग, वो 750 पंचायतों में स्वयं पर 5 साल में लोगों के बीच में रहे हैं, तो निश्चित तौर पे भारतीय प्रत्याशी वीरेंद्र कश्यप जी को इसका लाभ मिलेगा। वहीं कांग्रेस के जिला प्रवक्ता जगमोहन मल्होत्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि वीरेंद्र कश्यप को शिमला संसदीय क्षेत्र की जनता इसलिए नहीं जानती कि वह उनके लिए कोई कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं, बल्कि वे आए दिन भ्रष्टाचार को लेकर अखबारों की सुर्खियों में रहते हैं, इसलिए जनता उन्हें थोड़ा बहुत जानती है। सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में अगर चुनाव हारने का रिकॉर्ड होगा तो श्री वीरेंद्र कश्यप जी का ही होगा, और जो कि वो पिछले दिनों से वो तो सुर्खियों में अखबार में छाए हुए हैं, चाहे वो सीडी कांड हो, दूसरे प्रकार के बात हो, तो वो सब लोग उनको बच्चा बच्चा हिमाचल प्रदेश का पहचान रहे हैं, ना कि हिमाचल प्रदेश का, पूरे हिंदुस्तान में उनके कार्य का पता है। और जो उन्होंने पिछले 10 चुनाव हारने के बाद जो यहाँ पे जब जिस समय उन्हें विजय प्राप्त हुई, किस प्रकार का उन्होंने काम किया, कहीं नजर तो आए नहीं चुनाव क्षेत्र में लोगों। पानीपुरी, समोसे और गोलगप्पे जैसे नाम सुनकर आपके मुंह में जरूर पानी आ जाता होगा। जी हाँ, पर जनाब थोड़ा सावधान हो जाएं, क्योंकि अगर ये सब चीजें बिना सोचे समझे खाई जाएं तो इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है और आप बीमारियों का घर भी बन सकते हैं। मंडी शिवरात्रि मेले में लगी खाने पीने की दुकानों पर जब IPH विभाग के JE और हेल्थ ऑफिसर NK भारद्वाज ने यह छापा मारा, तो देखिए उन्हें क्या मिला। जरा इन लोगों को गौर से देखिए। शिवरात्रि मेला घूमने आए ये लोग फुर्सत के समय में अपना पेट भर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को शायद ही यह इल्म होगा कि जो खाना या चटपटी चीज़ें ये लोग खा रहे हैं वह कैसे तैयार होती होगी।
जब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आईपीएच के अधिकारियों के साथ मेले के खाने का हाल जानने पहुंचे तो आप भी देख लें उन्होंने क्या देखा। से जो मेन चीज होती है पानी पीने का, और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इतना गंदा पानी है जिसको कि लोग यहाँ पी रहे हैं और साथ ही ले जा रहे हैं बीमारियों का ढेर यहाँ से शिवरात्रि मेले से। आइए आप जानते हैं यहाँ बैठे हुए कुछ कस्टमर से। जी मैम, यहाँ इतनी गंदगी बाहर भरी हुई है और पानी भी इतना गंदा है तो जिससे काफी बीमारियाँ हो रही है, तो आपको कुछ कहना है इस बारे में? नहीं खाना चाहिए आप? नहीं खाना चाहिए क्योंकि बहुत ही बीमारियां, और आप आगे जाके देखिए कि किस तरह से पानी इतना गंदा भरा हुआ है और साथ ही जो खाने पीने की चीजें हैं वो चार पांच पांच दिन से यहाँ पड़ी होती है और आप लोगों को वैसा ही खाना दिया जाता है। जी मैडम आप बताइए आप कुछ कहना है? कुछ नहीं कहना, नहीं खाना चाहिए ऐसे बीमारियां, बचना चाहिए आजकल और क्या। पानी वाले जो विभाग है उनके अकॉर्डिंग जो है वो पानी बिल्कुल साफ और क्लोराइज पानी आपको मिलता है, लेकिन यहाँ आपको इतनी गंदगी भरे माहौल में जो है वो पानी इतना दूषित हो जाता है कि उससे आपको कई बीमारियां जो है वो फैल रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एन के भारद्वाज ने बताया कि शहर में कुछ दिनों से पीलिया के केसेस बढ़ रहे थे और जब उन्होंने शिवरात्रि मेले की इन दुकानों पर छापा मारा तो पाया कि खाना बनाते वक्त इस्तेमाल में आ रही सामग्री या तो खराब हो चुकी है या फिर दो तीन दिन पुरानी रखी गई है। जी सर हमें ये बताइए कि आपने ये जो जांच की आज, ये आपने मतलब किस तरह से? नहीं, हमने आज देखा कि हमारे एरिया में जो है पीलिया के केस फैल रहे हैं, तो हमने देखा कि खाने पीने के सामान है, पानी का जो सप्लाई है वो ठीक है कि नहीं है, तो हमने यहाँ पानी का सैंपल लिया, उनमें देखा कि वो तो क्लोरिनिक, उसमें क्लोरिनेशन हुई है, जो टैंकी में पानी आ रहा है, लेकिन आगे जो लोगों पानी बर्तनों में पानी ले जा रहे हैं वो बहुत गंदा पानी है, इन्होंने स्टोरेज सिस्टम नहीं बनाया कुछ भी, और सारा कंटेमिनेटेड पानी है, और जो खाने की चीज़ें भी है दो दो तीन से पड़ी हुई सारी चीज़ें लोगों को खिलाई जा रही है, इसलिए हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, जो गंदी चीज़ें हम उनको फंकवा रहे हैं बाहर। और इसके अलावा आप लोगों को क्या एडवाइस देना चाहते हो? हम एडवाइस देना चाहते हैं कि बीमारी से बचने के लिए लोगों को भी एडवाइस है, खासकर कि जिस दुकान पे आप खाने के लिए बैठते हैं पहले उस दुकान की जांच कर लें कि वो खाना ठीक दे रहा है कि नहीं, चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, साफ सफाई के लिए हमने बड़े पहले से इनको जब शुरू हुआ था उनको लाइसेंस भी दिए थे, उस टाइम भी हम पंपलेट बांट के इनको बताया था कि सफाई का खास ध्यान रखें, लेकिन लोगों को सफाई का ध्यान रख के कमाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो कमाई की तरफ ध्यान ना देकर सफाई की तरफ ध्यान दें और लोगों की सेहत से ना खिलवाड़ करें, तो हम कल तक दो तीन दिन तक है तो हम ऐसी कार्रवाई कंटिन्यू रखेंगे इसमें। तो हमें बताइए कि यहाँ जो पानी पिलाया जा रहा है इतना दूषित है और आपके विभाग के द्वारा जो पानी पिलाया जा रहा है उसके बारे में आपको क्या कहना है? हमारा पानी आपने देखा, और आज मेडिकल हेल्थ ऑफिसर है, इन्होंने टीम बनाई थी आईपीएच के जेईज और स्टाफ थे, तो आज कुछ सैंपल भी कलेक्ट किए बॉडी वगैरह की, और यहाँ भी इन्होंने हमारा पानी चाहिए, हमारा पानी में सुपर क्लोरिनेशन, हमारा क्लोरिनेशन प्रॉपर थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आगे कंटेनर में पानी ले जा रहे हैं लोग या उसको स्टोर कर रहे हैं वो सारे गंदे हैं, सबसे बड़ा रीज़न ये है। हमारे पानी को इन्होंने हेल्थ वालों ने चेक किया, उन्होंने सैंपल लिए तो वो प्रॉपर निकले हैं, जैसा कि आपको एमओसी ने स्टेटमेंट में अभी दिया भी है। तो देखा आपने यहाँ कितना गंदगी भरा खाना और दूषित जल लोगों को पीना पड़ा, स्पेशली बच्चों को। और अभी हम आपको बता दें कि के न्यूज में दो दिन पहले ही आपको बताया गया था कि जो लोग हॉस्पिटल मंडी में अभी से ही पीलिया के इतने मामले सामने आ रहे हैं जिनमें से ज्यादातर जो है वो बच्चे लोग शामिल है, तो हम आप लोगों को यही एडवाइस देना चाहते हैं कि ये दूषित खाना और पानी जो है यहाँ मिल रहा है उसे प्रयोग भी ना करें। जी तो सुना आपने, खुद लोगों को भी इस मरतबा कुछ करने की जरूरत है, उन्हें भी यह समझना होगा कि जिस जगह से वे और उनके नन्हे मुन्ने बच्चे कुछ खा रहे हैं उस दुकान की क्वालिटी कैसी है। याद रखिए, सावधानी ही सबसे बेहतर बचाव होता है। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ मोनिका ठाकुर की रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, बन रही है हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज। १९२८ से आपकी सेवा में रतन सिंह सराफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सराफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण, साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अश्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अश्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें रतन सिंह सराफ एंड सन्स, मोती बाजार मंडी हिमाचल प्रदेश।
करवट बदल कर नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर खो न जाए ये तारे जमीन पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरने उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे खो न जाए ये तारे जमीन पर। मिठाइयाँ बेकरी और चाट का स्वाद एक नए अंदाज में आपके शहर मंडी में एक संपूर्ण रेस्टोरेंट अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और स्वाद के साथ साथ यहाँ रखा जाता है सफाई का विशेष ख्याल। यहाँ इस्तेमाल होने वाला हर मटेरियल होता है लैब टेस्टेड। बिना किसी मिलावट के आपको मिलेगा हर उत्पाद सिर्फ आनंदा में। आनंदा टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक मंडी। LG का हर प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे। जी हाँ, नेरचौक में खुला है LG का एक्सक्लूसिव शोरूम सिर्फ CL मेहरा एंड सन्स में। तो देर न कीजिए और LG के बेहतरीन प्रोडक्ट्स की विस्तृत रेंज के लिए आज ही पहुंचे CL मेहरा एंड सन्स नेरचौक मंडी। रंगों का त्योहार होली। इस दिन सभी लोग अपने गिले शिकवे भुलाकर एक साथ इस त्योहार को मनाते हैं। आप में से कई लोग ये भी जानते होंगे कि होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। मंडी की आम जनता और युवा इस पर क्या कहते हैं, होली की पूर्व संध्या पर आइए जानते हैं के न्यूज की इस रिपोर्ट में। होली कब है? कब है होली? कब? अरे 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 भैया ना तोड़ो। ओए ठहर जा बाबी। अरे जा रे शराबी। क्या हो राजा? गली में आ जा। धान की गोली नजर वाली। दूंगी मैं गाली। अरे रंग की साली। जी आप हमें ये बताइए कि आप ये जो कलर है ये कहाँ से लाए हो? ये हम अम्बाला से लाते हैं जी। और इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल या कोई मिलावट जिससे चेहरे खराब हो या इस तरह सा कुछ आपको लगता है कि बिल्कुल प्योर है ये? बिल्कुल प्योर है ये, मुर्गा छाप है, कॉक ब्रांड है ये, 100% प्योर है ये, लिखा हुआ है इस पे, ऐसा कुछ नहीं है जी, इससे कोई फेस खराब नहीं होगा, कुछ नहीं जी, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है जी। आ,
आइए तो देखिए आप किस तरह से होली का त्यौहार जो है वो धूमधाम से मनाने के लिए लोग जुट गए हैं। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से जो है वो दुकानें सज चुकी हैं, जहाँ पर आपको हर रंग बिरंगे कलर देखने को मिल रहे हैं। और तो त्यौहार बिल्कुल शुरू ही होने वाला है 2 दिन में। और इस वक्त हम हैं सेहरी मंच पे, जहाँ पर हर वर्ष जो है होली बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है, जहाँ पर डीजे लगता है, मौज मस्ती, गाना, डांस सब कुछ होता है। और आशा है कि इस बार भी सेहरी मंच पर लोग बहुत ही धूमधाम से होली मनाएंगे, गाना बजाना, डांस मस्ती करेंगे। जी बताइए आप किस तरह से होली मनाते हो? हम होली जैसे कि यहाँ सेहरी मंच पे हर साल होली मनाई जाती है, तो हम भी यहाँ पर आते हैं और काफ़ी इन्जॉय करते हैं। यहाँ पर जैसे कि डीजे वगैरह लगता है और रंगों की अच्छी बरसात होती है, तो हर साल की तरह इस बार भी हम यहाँ पर होली मनाएंगे। जी आप बताइए आप किस तरह से होली मनाते हैं? जी सबसे पहले तो मैं मतलब कलर से हिरा खेलता हूँ और डांस पसंद है, और डीजे यहाँ पे सेहरी मंच में डांस करना पसंद करता हूँ, और सब कुछ मतलब दोस्तों को कलर लगाना, सबको जितने भी फ्रेंड है चाहे रिलेटिव्स है कोई भी हो, मतलब सबके मिलजुल के ये मनाते हैं। मेरी इस बार रिक्वेस्ट है कि मतलब ऐसे कलर यूज़ करना जिससे कि मतलब सभी को मतलब कोई ज़्यादा इफेक्ट ना हो पड़े। जी बहुत अच्छी बात कही आपने कि इस तरह के कलर यूज़ करें जिससे कि कोई इफेक्ट ना पड़े, कोई एलर्जी ना हो और कोई आपको कोई परेशानी ना हो उस चीज़ से। थैंक यू। जी आप बताइए आप किस तरह से होली मनाओगे? होली तो एज़ यूजुअल जैसे हर साल मनाते हैं वैसे ही मनाएंगे, दोस्तों के साथ, फ्रेंड सर्कल में। कुछ नया करने का सोचा है इस बार? नया करने का यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स हमारे इकट्ठा हों, वही रहेगा नया तो इस बार। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारी आज की जनरेशन, जो कितनी अच्छी तरह से कितनी अच्छी बातें कही उन्होंने, और जो बिल्कुल चाहते हैं कि हम जो है होली को एक त्यौहार की तरह लें, हंसी खुशी मनाएं और उसमें कोई कलर यूज़ ना करें, कोई लड़ाई झगड़ा ना करें। तो बहुत बहुत अच्छी बातें इन्होंने हमारे साथ शेयर की अपनी। दोस्तों दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। जानते हैं मंडी के लोगों से कि होली क्यों मनाते हैं, क्या कारण है जो होली को मनाया जाता है। तो हम जानते हैं मंडी के लोगों से कि क्यों मनाई जाती है होली। जी मैम आप हमें ये बताइए कि होली क्यों मनाई जाती है, क्या आप जानती हैं? नहीं मैं जानती। होली हिंदुओं का पवित्र त्यौहार है। तो मनाने के पीछे कोई कारण रहा है कि आपको पता है कि होली क्यों मनाई जाती है? जी इतना इसके बारे में तो पता नहीं। जी तो आपने देखा मंडी के आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो होली का कारण नहीं बता पाए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि होली मनाने के पीछे क्या कारण है। भगवान विष्णु के भक्त जो थे प्रहलाद, उनको जलाने के लिए, उनको मारने के लिए एक होलिका नाम की राक्षसी को बुलाया गया, और इस राक्षसी के ऊपर ये वरदान था कि उसको कोई भी चीज़ जला नहीं पाएगी। तो राक्षसिका को एक बहुत बड़ी लकड़ी के गिट्ठे के ऊपर बिठा कर और प्रहलाद जी को उनकी गोद में बिठा कर जलाया, जलाने की पूरी तैयारी कर ली। लेकिन होलिका के ऊपर न जलने का वरदान होते हुए भी वो पूरी तरह से जल गई और प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। तो ये भगवान विष्णु जी का ही उन पर आशीर्वाद था जो उन्हें उस आग से बचा पाया। और इससे यही हम कह सकते हैं कि जो है बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। तो दोस्तों ये है होली मनाने के पीछे कारण जो हमने आपको अभी बताया। कैमरा पर्सन लुकेश के साथ मोनिका ठाकुर की रिपोर्ट। पिचकारी जो तुमने मुझे मारी तो सीधी साधी चोरी।
के न्यूज में एक बार फिर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहां पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहां उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट, हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in चावला चिकन, superb चिकन, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में, मंडी से 3 किलोमीटर मंडी मनाली हाईवे पर। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 8265033999। मंडी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ओनली परमानेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। वी हैव वेल एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड फैकल्टी, well equipped separate physics, chemistry and bio labs, special effort to motivate and encourage the students to participate in sports and cultural activities, free coaching facility to needy and poor students in school premises, house quiz competition activities is mandatory for all the students, school is situated in traffic free zone, for admissions contact Mandi Public School near Hospital Road. Vijay Group of Institute, leading college in Himachal Pradesh for quality education and other activities, affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, B.B.A 50 seats, B.C.A 60 seats and P.G.D.C.A 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats, affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NH21, opposite ESIC Medical College, Near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh. मंडी जिला के एक प्रतिष्ठित प्राइवेट कॉलेज के प्रिंसिपल पर छात्रों के साथ मारपीट किए जाने का आरोप लगाया गया है। आरोप लगाने वाले खुद इस कॉलेज के छात्र बताए जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए बता रहे हैं आपको थाना प्रभारी मदन धीमान। ये स्टूडेंट्स जो अपना मेडिकल करवा रहे हैं, इन्होंने प्रतिष्ठित संस्थान के प्रिंसिपल पर मारपिटाई का आरोप लगाया है। और इनका आरोप है कि जब वे संस्थान में फॉर्म भरने गए थे तो कॉलेज के प्रिंसिपल ने उनके साथ मारपीट की। पुलिस द्वारा छात्रों का मेडिकल करवा दिया गया है और आगे की कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। जब ये कोई फॉर्म भरना था और ये लैब में थे, फॉर्म भर रहे थे, ये इनके साथ मारपीट शुरू कर दी और जिससे जो है इसे सिरजन को नीचे गिरा दिया। उसके बाद इसे भी मारपीट करी है नितिन को भी, और ये अपने को जो है छोटे आनिनों में जाहिर की, जिनका मेडिकल करवाया गया। और यहाँ पर जो इन्होंने जो इनकी स्टेटमेंट के आधार पे थाना में केस दर्ज कर लिया है और अगली जो है तफ्तीश की जा रही है। के न्यूज में खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है, आप बन रही हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज़।